हाय दोस्तों, वेलकम टू द नॉलेज 100। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग घर बैठे कैसे पासपोर्ट अपना बना सकते हैं। मतलब आप लोग का पास अगर पासपोर्ट नहीं है दोस्तों, आप लोग बनवाना चाहते हैं अपना पासपोर्ट दोस्तों, तो आप लोग घर बैठे बना सकते हैं दोस्तों, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दोस्तों आप लोग को अपना गूगल ओपन करना है और पासपोर्ट सेवा सर्च करना है। उसके बाद पहला ऑप्शन जो आएगा इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग इस पेज पे आ जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पासपोर्ट का बहुत सारा फेक साइट हो चुका है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों सावधानी से आप अप्लाई करें, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों ये अलर्टनेस है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, एक बार पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही काम में आने वाला है, क्योंकि हर जगह फेक और फेक, ठीक है। तो इसके लिए इसको काट देना पड़ेगा। काटने के बाद दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। क्यों दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, जो बेसिक डिटेल्स वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों रजिस्टर करना है यहाँ पे दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस के लिए। दोस्तों आपका जो ऑप्शन डाला गया उसमें आपको क्लिक करना है। इसके लिए दोस्तों आपको होम क्लिक करना है और एग्जिस्टिंग यूजर आईडी में क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक करना है। मतलब आप अपना यूजर आईडी यहां से क्रिएट करके आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के यहां पे लॉगिन कर लीजिएगा। मतलब दोस्तों अप्लाई टू फ्रेश पासपोर्ट एंड रिसीव पासपोर्ट, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड सॉफ्ट कॉपी फॉर फॉर्म, यहाँ पर फिर क्लिक है टू अपलोड द फील फॉर्म अपलोड फील, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा। फ्रेश पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। नॉर्मल यहाँ पे दोस्तों टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल करना है और यहाँ पे दोस्तों बुकलेट 36 पेज या 60 पेज के करवाना चाहते हैं तो 36 पेज में क्लिक कीजिएगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको कर देना है क्लिक दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे गिवन नेम मैक्सिमम 45 कैरेक्टर्स, मतलब आपका जो नेम है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, फिर सर नेम डालिएगा, फिर अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। यू हैव एवरी बीन ग्रोथ विद नेम, यहाँ पे दोस्तों यस में करना है या ना है तो यहाँ पे नो कर देना है। हैव यू एवरी चेंज योर नेम, नो पे क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करना है। प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में हुआ है कि कहीं अलग दोस्तों, वो आपको यहाँ पे करना है क्लिक में, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ विलेज टाउन या सिटी कहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे हुआ है वो उसका नेम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पे अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करके फिल करना है दोस्तों। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है दोस्तों। फिर दोस्तों आपके यहाँ मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है कि सिंगल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यहाँ पे बर्थ पे क्लिक करना है। फिर पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर दोस्तों, एनरोलमेंट टाइप दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करके, यहाँ पे गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, या प्राइवेट है दोस्तों, जो भी है पीसीयू है वो आपको सिलेक्ट करना है। नॉट एम्प्लॉय, नॉट एम्प्लॉय में क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट में आपको यहाँ पे रहना है, मिलियर सपोज योर गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेंट एलिजिबल ईसीआर कैटेगरी में आपको 10th 7th लेस ग्रेजुएट जो भी आप पढ़े हैं, क्वालिफिकेशन आपका है वो डालना है। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ईसीआर में आपको क्लिक करना है। ये जो फॉर्म आपको यहाँ पे दोस्तों आपको क्लोज करना है दोस्तों, एक बार ओपन करने के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको यस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। विजिबिलिटी ड्यूरिंग मार्क अगर कुछ है दोस्तों तो डाल सकते हैं। फिर आधार कार्ड नंबर नॉट एप्लीकेबल, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे फादर का नेम आपको फिल करना है, सरनेम फादर का फिल करना है, मदर गिवन नेम यहाँ पे दोस्तों फिल करना है, सरनेम फिल करना है, लीगल गार्जियन गिवन नेम यहाँ पे आपको फिल करना होगा, गार्जियन अगर कोई चाचा आप बड़ा पापा भी आपका यहाँ पे आपको उसका फिल करना है। चेंज एप्लीकेशन मिरर एंटर द बिलो डिटेल्स फादर लीगल, यहाँ पे दोस्तों आपको फिल करना होगा फादर लीगल, जो मिरन में आपका रहेगा दोस्तों उन्हीं का नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों लीगल गार्जियन का नेम है, तो अगर आप लोग अपलोड करना चाहते हैं, नाम लिखना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डालने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। इफ़ यू फ्रेश, जो इंडिया का प्रेजेंट एड्रेस है आपका, जहाँ वेरिफिकेशन होगा उसका एड्रेस, जो भी डिटेल्स यहाँ पे है दोस्तों, विलेज टाउन स्टेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन पिन कोड मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी इज प्रेजेंट एड्रेस एप्लीकेबल, यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट है कि नहीं, यस में क्लिक नहीं है तो नो में क्लिक करना है, ठीक है।
तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे जब आप फिल कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस जो होता है वो आपको यहाँ पे फिल हो जाता है। फिर आपको सेव माय डिटेल्स, फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ओके में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर आपका जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है वो आपको फिल, नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा, फिर मोबाइल नंबर फिल करना होगा दोस्तों, टेलीफोन नंबर फिर फिल करना है दोस्तों, फिर आपका ईमेल आईडी फिल करके नेक्स्ट में क्लिक करना है, फिर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट आपका सेव हो जाएगा। आइडेंटिटी पासपोर्ट डिटेल्स में यहाँ पे नो होगा, फिर सेकंड वाला डिटेल्स प्रीवियस करंट यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे दोस्तों जो पहले था ऑफिशियल पासपोर्ट अगर होगा तो यस कीजिएगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हैव यू इवेंट एप्लीकेंट फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, यहाँ पे नो पे क्लिक करना है इसमें, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करना, अगर नया पासपोर्ट आप लोग बना रहे हैं तो। आधार डिटेल्स में भी यहाँ पे दोस्तों जो है क्रिमिनल प्रोसेसिंग पेंडिंग अगेंस्ट, अगर कोई कोर्ट में आपका केस हो यहाँ पे दोस्तों आप लोग डाल सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी है यहाँ पे सब में नो करना है दोस्तों, अगर केस उस चल रहा है तो, अगर नया बना रहे हैं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आपको नो में क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों कुछ इस तरह का ऑप्शन है, जो पासपोर्ट डिटेल का वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका डिटेल्स रहेगा वो आपको फिल करना है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे आधार, ई आधार में क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, फिर अपना हिसाब से करिएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना प्लेस आई एग्री फिट फॉर्म का डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली पेड टू पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस रहेगा, इसमें आपको स्टेट बैंक SBI चैनल से भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सरनेम डेट ऑफ बर्थ दिखेगा आपका, फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। फिर लोकेशन जो आएगा दोस्तों वो लोकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका एप्लीकेबल है 26/8 मिलेगा अपॉइंटमेंट का, तो अपॉइंटमेंट जो डेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर एड्रेस यहाँ पे दोस्तों सम रहेगा, फिर आपको कैप्चर डाल के नेक्स्ट क्लिक करना है। फिर आपके पास दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट आपका शो होगा दोस्तों वो अमाउंट आपको फिल कर लेना है, और सिलेक्ट या अपॉइंटमेंट डाटा, अपॉइंटमेंट कब आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं सिलेक्ट करके पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर UPI के थ्रू करना चाहते हैं डेबिट कार्ड, बहुत सारा ऑप्शन है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट का 1500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है, मतलब अगर आप किसी का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपया पे करना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इसको आपको प्रिंट निकालना है। गेट अपॉइंटमेंट SMS यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा, सेंड हो जाएगा 3 SMS। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में क्लिक करके करना है और इसका प्रिंट भी निकाल लेना है, कुछ इस तरह से आपका रहेगा। तो इसको आप SMS के अलर्ट भी आपको मिल जाएगा, साथ में इसको आप लोग प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे डेट टाइम दे देगा दोस्तों, पासपोर्ट सेवा केंद्र है दोस्तों उसमें आपका डिटेल्स दिखेगा, तो वो डिटेल्स आपको उसी तारीख को आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र में प्रेजेंट करके इसको सबमिट करना है दोस्तों। फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पासपोर्ट बन के आएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आप अपना ऑनलाइन पासपोर्ट बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग